फर्स्ट क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है कि अ डिस्क है, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ स्टेडी रेट ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड. सबसे पहली चीज आपको ये दी गई है कि आपके पास एक डिस्क है जो रोटेट कर रहा है. ठीक है, सो अगर हम एक डिस्क कंसिडर कर लेते हैं इस तरह से, ये आपने एक डिस्क कंसिडर कर लिया और ये आपने उसकी एक्सिस कंसिडर कर ली और इस तरह से वो ओमेगा से घूम रहा है. ठीक है, और जो ओमेगा यहां पे दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 3.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड आरपीएस. सो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं रेडियंस में. सो आप इसको लिख सकते हैं 3.5 इंटू 2 पाई, ये आपका रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो यू कैन राइट दिस एज 7 पाई रेडियंस पर सेकेंड. आगे बढ़ते हैं. वो कह रहा है कॉइन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.25 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द डिस्क. इसका मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां से एक डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है 1.25 का सेंटीमीटर्स, ये डिस्टेंस पे कॉइन रखा हुआ है और जो कॉइन है वो रेस्ट पे है. तो ये भी डेटा हमको अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए कि जो कॉइन है वो चीज रेस्ट पे है. एंड ये मत भूलिए कि डिस्क घूम रहा है पर फिर भी कॉइन रेस्ट पे रखा गया है. सो अगर डिस्क घूम रहा है और फिर भी कॉइन रेस्ट पे है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो कॉइन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचा रही है, वरना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से तो कॉइन अभी तक से बाहर गिर जाना चाहिए, बट स्टिल इट इज एट रेस्ट. देखते आगे क्या बोल रहा है. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज, और बोल रहा है कि आप जी को 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू से डिनोट कर देंगे. ऑब्वियस सी बात है यही वो फोर्स है जो आपके कॉइन को यहां से बाहर गिरने के लिए बचा रही है. मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होगी, उसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर. ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कॉइन को अभी भी रेस्ट पे रख पा रही है. ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू टाइम्स एन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप फॉर्मूला जानते हैं, एमवी स्क्वायर बाय आर लिख लीजिए या एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख लीजिए क्योंकि हमारे पास ओमेगा है. एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. अगर हम इस चीज को एफबीडी में ड्रॉ करेंगे तो नीचे की तरफ कॉइन में एमजी लगेगा और ऊपर की तरफ कॉइन में एन लगेगा. ठीक है, सो इस एन की जगह पे आप एमजी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. मींस यहां से एम और एम कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन म्यू, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. आप लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी. दिस इज द फॉर्मूला विच इज कमिंग आउट टू बी फॉर कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. चलिए सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं. आर जो है वो डिस्टेंस होगा आपका कॉइन का और सेंटर के बीच में, दैट इज गिवन आउट टू बी 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर लीजिए बिकॉज सेंटीमीटर में है, इंटू ओमेगा आपने अभी भी निकाला 7 पाई का स्क्वायर कर लीजिए, होल डिवाइडेड बाय यू विल गेट एस 10. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.62 समथिंग आएगा एंड इट इज गेटिंग मैच विद द फोर्थ ऑप्शन. सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो ये होगा बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, जे कैप आप वैसे ही रख लीजिए और यहां पे टेस्ला कर लीजिए. ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन होती है. जैसे कि बी नॉट की वैल्यू यहां पे आपको मिल गई. ठीक है, के प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आपको मिल जाएगी. जैसे के जो उसकी वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा. सो कंपैरिजन से आपको बहुत सारी वैल्यूज यहां से मिल सकती है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन आपको आगे ये कह रहा है कि देन व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सी वन थिंग इज क्लियर कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो वेव है वो अगर साइन में आ रहा है, साइन वेव है, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो वेव होगा वो साइन वेव ही होगा. ठीक है ना, सो उसका भी इक्वेशन एग्जैक्टली हम सेम ही लिखेंगे इस तरह से. बस ये देखना होगा कि वो कौन से एक्सिस में जाएगा क्योंकि जे एक्सिस तो मैग्नेटिक फील्ड ने ले लिया है और आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दोनों
एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो जे में अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जाएगी वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड वोल्ट पर मीटर, मतलब ये एक अननोन चीज है जो आपको अभी अभी तक से नहीं पता। बट व्हाट कैन द श्योरिटी बी हियर इज दैट कि इसके अंदर के जो टर्मिनोलॉजीज होंगे, मतलब आपके के एक्स प्लस ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। सो आप लोग यहां पे ये एग्जैक्टली सेम अज्यूम कर सकते हैं, इसलिए अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 1.6 इंटू 10 पावर 3 और ये 48 इंटू 10 पावर 10, ये आपको सारे ऑप्शन में सेम मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी और आपके ओमेगा की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम होगी, ठीक है। फर्क किस में आएगा, डायरेक्शन में फर्क आएगा प्लस एम्पलीट्यूड में फर्क आने वाला है। जैसे यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एम्पलीट्यूड बी नॉट से हमने डिनोट किया हुआ है और यहां पे जो ये बंदा है इसके एम्पलीट्यूड को हमने ई नॉट से डिनोट किया हुआ है। एम्पलीट्यूड में फर्क आ सकता है। तो सबसे पहले व्हाट विल डू इज दैट विल कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा इन सब में से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। फिर हम डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो आपको और एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए दैट इज ई नॉट निकालने के लिए सी दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है ई नॉट बाय बी नॉट, ठीक है। सो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से जो एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा सी इंटू बी नॉट। सो ई नॉट हो जाएगा, सी आपको पता है और बी नॉट भी आपको पता है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे माइनस साइन है बी नॉट के लिए, यहां से 10^+8 और ये -8 कैंसिल हो जाएगा और आपके ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 9। सो अगर आप देखेंगे अगर हमने ई नॉट की वैल्यू 9 निकाल ली है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये क्योंकि ये ई नॉट यहां पे 9 हमने निकाल लिया। बट हाउ कम ही इज राइटिंग के कैप हियर, मतलब ये बोलना चाहता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में जा रही है, तो के कैप कैसे आया? उसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। ऐसे हमको पता ही है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इस वेव के अंदर वाले प्रोपगेशन कांस्टेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। इस प्लस साइन का मतलब क्या है? इस प्लस साइन का मतलब यह है कि जो वेव प्रोपगेट कर रही है वो माइनस एक्स में कर रही है। अगर यहां बीच में प्लस है तो वेव माइनस एक्स में प्रोपगेट कर रही है, और अगर बीच में माइनस होगा तो वेव प्लस एक्स में प्रोपगेट करेगी, ठीक है। तो तीन चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक तो आप बात कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और आप बात कर रहे हो वेव की प्रोपगेशन के बारे में। सो अभी तक से कितनी बातें आप लोग के दिमाग में क्लियर हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो जा रही है वो जा रही है जे कैप में, वेव का प्रोपगेशन कहां हो रहा है? माइनस आई कैप में, बिकॉज माइनस एक्स लिखा है तो यहां मैंने माइनस आई कैप लिख दिया। अब सवाल सिर्फ इतना उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेशन कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो आपको वेव की प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिलना चाहिए, दैट इज आई कैप, बिकॉज ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। So, इसमें से आपको पता है कि बी वेक्टर का डायरेक्शन जे कैप है और वेव की प्रोपगेशन आई कैप में हो रही है, तो आप गेस करना है कि ई वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा। सो अगर स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि ये आएगा के कैप, बिकॉज स्केलर्स एंड वेक्टर्स में साफ साफ लिखा हुआ था कि जे कैप क्रॉस के कैप अगर आप करेंगे तो वो प्लस आई कैप आता है, पर क्योंकि हमें माइनस आई कैप चाहिए इसलिए हम उल्टा करेंगे तो आएगा के कैप क्रॉस जे कैप विल गिव यू द माइनस आई कैप वैल्यू। सो इससे यह भी समझ में आता है कि यहां पे उन्होंने के कैप का वैल्यू क्यों लिखा है, इसलिए हम यहां पे भी लिखेंगे के कैप जो हमने अभी अभी यहां से फाइंड आउट किया। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अ पोलराइजर एनालाइजर सेट इज एडजस्टेड सच दैट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द एनालाइजर इज जस्ट 10% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी हम उसको आई नॉट ले लेंगे, ये आपकी ओरिजिनल इंटेंसिटी है लाइट की।
और जो लाइट की इंटेंसिटी पोलराइजर एनालाइजर के सेट से बाहर आती है हम उसको आई लेंगे. दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट. यहां पे क्लियर है कि उन्होंने ये बोला है कि जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके एनालाइजर से बाहर आ रही है वो 10% है ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी. मतलब आई की जो वैल्यू होगी वो 10% ऑफ आई नॉट होगा. दैट मीन्स आई की वैल्यू आई नॉट बाई 10 होगा. नेक्स्ट में वो हमसे ये कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द पोलराइजर एनालाइजर सेट डज नॉट एब्जॉर्ब एनी लाइट, द एंगल बाय विच द एनालाइजर नीड टू बी रोटेटेड फर्दर टू रिड्यूस द आउटपुट इंटेंसिटी टू बी जीरो. ओके, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं पोलराइजर के बारे में, तो सपोज कीजिए दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द पोलराइजर. ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ आपके एनालाइजर का एक्सिस लगा होता है. ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके एनालाइजर का एक्सिस कुछ इस तरह से है. ठीक है, अब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और आपके एनालाइजर के बीच का जो एंगल होता है दैट इज टेकन एज टू बी थीटा, एंड कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास हो रही है वो इस फॉर्मूले से हम लोग बताते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. एंड यू ऑल्सो नो दैट इस लॉ को आप मैलस लॉ बोलते हैं, जो आपको ये बताता है कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके पोलराइजर एनालाइजर सेट से बाहर की तरफ आएगी. ठीक है, वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो थीटा एंगल है वो हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है. तो बेसिकली जो एंगल थीटा है दैट इज द एंगल बिटवीन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड आपका एनालाइजर. ठीक है, आप एनालाइजर की जो एक्सिस है उस एक्सिस को आप पास एक्सिस भी बोलते हैं. ठीक है, इससे इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास हो रही है तो ये पास एक्सिस के नाम से भी आप इसको बोलते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि आपके आउटपुट इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए. कब आपके आउटपुट इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी? अगर आपका जो थीटा है वो 90 हो जाएगा. इन शॉर्ट अगर आपको ये चीज इस तरह से दिखाई देने लगेगी, मतलब दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ योर एनालाइजर पास एक्सिस, अगर आपकी एनालाइजर पास एक्सिस कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी, मतलब आपने उसको और टिल्ट कर दिया है थोड़ा और इस एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं, तो अगर आपने इसको और बीटा से घुमा दिया तो फिर ये एक्सिस यानी कि ये अब आपके पास एक्सिस हो जाएगी और आपके पास एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है आप देख सकते हैं अब 90 हो जाएगा. तो वो यही पूछ रहा है आपसे कि और कितने एंगल से उसको रोटेट करना पड़ेगा ताकि आपका आउटपुट जीरो हो जाए. सो हमको पता है कि अगर हमको अभी बीटा निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 90 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा, तो जो एंगल आएगा वही हमारा आंसर होगा. सो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ऑब्वियस सी बात है यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी भी निकाला. आई की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, आई नॉट बाई 10, दिस विल कम आउट टू बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. यहां से आई नॉट और आई नॉट कैंसिल हो जाएगा. सो हियर यू आर गेटिंग कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/10 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√10. ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू फॉर 1/√10 दिस कैन बी रिटर्न एज √10 अपॉन 10 कॉस थीटा. √10 की वैल्यू अराउंड 3.16 डिवाइड बाई 10, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 0.316. ये आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.316. अब आपने किस बात पे ध्यान देना है कि हमको तो थीटा निकालना है. सो अगर आपको थीटा निकालना है सो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस 60 की वैल्यू अराउंड 0.5 होती है, दैट्स हाफ, और आप ये भी जानते हैं कि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है. ठीक है, अगर आप ये चीज कंसिडर कर रहे हैं तो आपको आराम से समझ में आ रहा है कि
कि आपका जो थीटा का वैल्यू आएगा वो कॉस 60 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में आएगा। तो आपका जो थीटा है दैट इज बिटवीन 60 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर आप 60 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज में से कोई भी चीज को 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर अबाउट 30s में आना चाहिए, मतलब आपका आंसर 0 टू 30 के बीच में आना चाहिए। अगर आपने यहां पे 90 सब्ट्यूट कर दिया तो आपका आंसर बीटा का 0 आ जाएगा, और अगर आपने 60 सब्ट्यूट कर दिया तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। मतलब वॉट एवर शुड बी द वैल्यू ऑफ बीटा दैट शुड बी बिटवीन 0 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज, ठीक है, इसके बीच में ही आपका बीटा का आंसर होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे सो पहला ऑप्शन तो 0 से 30 डिग्री के बीच में नहीं दिख रहा, दूसरा ऑप्शन 90 दिख रहा है वो भी नहीं है, लास्ट ऑप्शन तो 45 है, मतलब सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जो 0 से 30 के बीच में लाइक कर रहा है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।